काट खाए, इससे विधायक को कोई लेना देना नहीं, भाजपा को कोई लेना देना नहीं। जो भाजपा इतनी नहीं दे सकती, जो विधायक आपको प्रधानमंत्री आवास नहीं दे सकता, तो ऐसी पार्टी को वोट दोगे? जन संवाद यात्रा के समापन के दौरान मिली 17 जन समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बिदसा जिले के पठारी में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई जा रही जन संवाद यात्रा के प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने पठारी बस स्टैंड पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुरवाई विधानसभा क्षेत्र में कहीं कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। भाजपा सरकार ने विकास यात्रा के नाम पर झूठ और फरेब कर को गुमराह किया है। वहीं 17 सूत्री ज्ञापन में कहा कि पठारी में बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया खेल का स्टेडियम आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं 4 करोड़ की लागत से बनी कृषि उपज मंडी पिछले 5 वर्षों से चालू नहीं हो पाई है। पठारी के मुख्य सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जो अब तक नहीं भर पाए हैं। ग्राम की बैंकों के सामने पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण रोजाना जाम लग रहा है, जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। वहीं उचित मूल्य की दुकान पर गेहूं की जगह चावल का वितरण किया जाता है, जो कि नागरिकों के लिए उचित नहीं है। चावल की जगह गेहूं का वितरण किया जाए। वहीं ग्राम पदमयई में 1 माह से विद्युत ट्रांसफार्मर जला पड़ा हुआ है, जिसे तुरंत बदला जाए। बड़ी छपारा में भी विद्युत व्यवस्था ठीक से कराई जाए। ऐसी अनेक समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम पठारी तहसीलदार अभिषेक पांडे को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिदसा से आशीष सहेले की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। ये विधायक जी के शब्द थे और पूरे क्षेत्र में हम स्कूल जाते हैं, रात में लाइट नहीं रहती, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। क्या बोलते हैं? हम स्कूल जाते हैं, रात में हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, लाइट नहीं है। हमारी माता बहने चल के आ गई कि भैया पानी भरने के लिए हमें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, नल की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग जो अंग्रेजी शासन में हमारे लोग रह रहे थे, वैसा ही शासन आज भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। पूरे क्षेत्र में आप चले जाइए, कहीं कोई विकास देखने को नहीं मिलेगा, कहीं कोई स्कूल नहीं बना है। इस पटारी के भोले भाले लोग, इस पटारी के मासूम लोग, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, विधायक को 2 बार मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी को 4 बार मौका दिया, लेकिन 3 लाख इस पटारी क्षेत्र के आजू बाजू क्षेत्र की होने वाले हैं, यहाँ पर कोई केंद्रीय विद्यालय बना क्या? आपके बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का अधिकार नहीं है? विधायक का बेटा, विधायक के परिवार के लोग बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं, लेकिन एक गांव के बेटा, गांव के किसान का बेटा, गांव के गरीब का बेटा केंद्रीय विद्यालय में नहीं जा सकता। ऐसी सुविधाएं जो गांव के गरीब को मिलना चाहिए, विधायक ने कभी नहीं सोचा कि हम पठारी में केंद्रीय विद्यालय बनवा दें। विधायक क्या सोचता है कि जो गरीब का बेटा है वो गरीब ही बना रहे, जो गरीब का बेटा है वो गरीब बना रहे। कभी आपको अच्छी शिक्षा मिले, ऐसा विधायक और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी नहीं सोचा। यहाँ पठारी में कोई अस्पताल है? काट खाए, इससे विधायक को कोई लेना देना नहीं, भाजपा को कोई लेना देना नहीं। जो भाजपा इतनी नहीं दे सकती, जो विधायक आपको प्रधानमंत्री आवास नहीं दे सकता, तो ऐसी पार्टी को वोट दोगे? आज खड़े करिए, ऐसी पार्टी को वोट दोगे? आप संकल्प लीजिए कि 23 में जब नवंबर का चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता जब आपके गांव में वोट मांगने आएगा, ऐसे लोगों से काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ये हाल कर दिया है राजनीति ने, बीजेपी की सियासत ने, देखिए ये हाल कर दिया है बीजेपी की राजनीति ने, सियासत ने, देखिए कि सच्चाई छुप के रह गई झूठों की भीड़ में। आज हमारा शासन प्रशासन हमारे क्षेत्र की समस्याएं अति शीघ्र समस्याओं का समाधान करे।
मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। एक साल एक साल।